परिंदे का एक पंख टूट गया है. सो सॉरी फॉर लिटिल बिट शेकी वीडियोस. अभी प्रोपेलर दूसरा चेंज करके ट्राई कर लेते हैं. Good morning from Khajjiar, everyone. Welcome to my YouTube channel. Rolling. Peace. ये वार्मर मैंने पहन के रखा था नाइट में एंड बाल मेरे थोड़े खराब हो गए थे तो कैप पहन लिया है. वीडियो में अच्छा दिखेगा. डॉक्टर ने ये मूवमेंट करने को बोला है मुझे. जितना मूवमेंट रखोगे उतना अच्छा, उतना मसल जल्दी रिलैक्स होगा. सो मैं थोड़ा ये मूवमेंट करता रहता हूँ. कल से बेटर है लेकिन सच पास वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस रोड है तो आई गेस आज मैं कर नहीं पाऊंगा. लेकिन खजियार में हमने जो कैंपिंग किया है यहाँ पे बहुत ही ऑसम एक्सपीरियंस है गाइस. टेम्परेचर काफ़ी प्लेजेंट है. अभी राइट नाउ टेम्परेचर होगा 25 के अराउंड. मतलब व्यू मैन आज का डेस्टिनेशन कुछ फिक्स नहीं है. अगर सच पास क्रॉस कर सकते हैं हम लोग तो कर डालेंगे. वाया सच पास किलाड़ होगा 180 किलोमीटर एंड आई एम गोना राइड विथ माय इंजर्ड हैंड. सो जहां तक पहुंच सकते हैं वहां तक पहुंचेंगे. निकलते हैं अभी. इट्स 12 PM राइट नाउ. लेट्स प्रोसीड. एंड मैंने अभी गम्बूट्स यहाँ पर बाहर रख दिए है. अगर बीच में वाटर क्रॉसिंग आता है तो गम्बूट्स पहनने पड़ेंगे. एंड विंटर लाइनर्स अभी अंदर ही है. देखते हैं आगे ठंडी होगी तो विंटर लाइनर्स निकाल देंगे. GoPro के बैटरीज चार्ज हो रहा है. कल नाइट कैंपिंग की वजह से चार्ज नहीं हो पाए थे. एंड 180 किलोमीटर का डिस्टेंस है खजियार से. जब एक हाथ इंजर्ड हो ना, छोटा से छोटा काम भी हर एक छोटा काम टास्क लगता है. पीछे थोड़ा खींचना है, खींच दोगे? थैंक यू. हाँ बाइक भी पूरा पीछे नहीं ले पा रहा हूँ मैं. इसमें वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस पास कैसे करूँगा मैं गाइस. ये लाइफ सेवर था. कल ऐसे ही हाथ रख के मैंने पूरा 60 किलोमीटर ट्रैवल किया था एक्सीडेंट के बाद. सिर्फ ऐसे हाथ रख के 50 रुपये में ये लाइफ सेवर है गाइस. हाईवे पे भी बहुत अच्छा रहता है. एंड ऐसा कुछ आपको लगा हो तब भी ज़्यादा प्रेशर करना नहीं पड़ता, ऐसे ही एक्सीडेंट हो जाता है. ये जो है वो खजियार से चंबा की ओर जाता है और यहाँ से पूरा वैली का व्यू दिखता है. जगह से बहुत जगह हिमाचल और जम्मू को कुदरत ने भर भर के नेचुरल ब्यूटी दिया है. गाड़ी की हालत देख लो भैया, मोस्ट एक्सीडेंट जोन है. अगर आप जा रहे हो जोध पास से खजियार की ओर, रोड बहुत ही नैरो है, बहुत ध्यान रखना पड़ रहा है. वो जो दिख रहा है वो सिटी चंबा है. कल जब मैं गिरा था तो बाद में यही रोड पे 30 किलोमीटर में है. एक हाथ से पूरा ड्राइव करके आया था मैं. फुल से थोड़ा कम रखना है, 450 का पेट्रोल. Small island is over there. The place is Kiani. Kiani nearby Chamba, Himachal Pradesh. All of a sudden surrounding का कैसा color change हो जाता है ना. पहाड़, पेड़, जमीन, रास्ते, सब चीज के कलर बदलते रहते हैं. इसीलिए मुझे हिमाचल और लेह लद्दाख बहुत ही पसंद है. ऊपर से ये कर्वी roads, इसमें कभी कभी ऐसा लग भी जाती है जैसे मेरी कल लग गई थी.
कभी कभी आपकी गलती नहीं होती है, फिर भी आपको सामने वाले की गलती के लिए सफर करना पड़ता है, वो मैंने कल किया, उसकी वजह से एक दिन डिले हो गया है हमारा। आज हम लोग सात पास क्रॉस कर देने वाले थे लेकिन अभी तीसा बैरागढ़ तक ही पहुंच पाएंगे। ड्राइव वेरी केयरफुली गाइस, अगर आप पहाड़ों में ड्राइव कर रहे हो, रास्ते नैरो हो, तो ईच एंड एवरी टर्न पे हॉर्न बीप कर लिया करो। ऑल्दो ट्रैवलर्स वाले का गलती था, लेकिन अगर मैं हॉर्न बजा देता तो एक्सीडेंट शायद होने से बच जाता। लेकिन अभी कुछ हो गए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एंड थैंक यू गॉड कि मुझे इतनी मोची आई, मसल पे ही इंजरी हुआ, अगर क्रैक होता तो मैं आगे राइड कंटिन्यू नहीं कर पाता। सो थैंक यू गॉड। क्या व्यू है ना भाई, ड्रोन शूट की भी जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो हाँ जी, क्या जी, हमारा लेह लद्दाख पूरा। थैंक यू। सूत्रों के अनुसार पता चला है कि 5 बजे सच पास पर एंट्री बंद हो जाती है। 5 बजे के बाद सच पास की और किसी को जाने नहीं देंगे। अभी तो बज रहे हैं 4:04 इन द ईव एंड बैरागढ़ है यहाँ से 40 किलोमीटर, तो बैरागढ़ में ही रुकना पड़ेगा हम लोगों को। लेट्स सी। और हाँ गाइस, थैंक यू, ओह आई लव दिस काइंड ऑफ रूट्स from outside, surrounded by trees, even from outside. And yeah guys, कल मैं जब गिरा था, God जी और family की दुआ है मुझ पे, तो मुझे कुछ ज़्यादा major injury हुई नहीं कल, thanks to all safety gears, riding gears पहन के ही bike चलाओ, वरना कल मुझे यहाँ से trip cancel करके back to home, sweet home, trip की शुरुआत में ही trip cancel करना पड़ा। तो गाइस मेक श्योर, अगर आप बाहर जा रहे हो तो सेफ्टी गियर्स के बिना और राइडिंग गियर्स के बिना मत जाओ, मैं तो मना कर दूंगा आपको। राइड करने के लिए 1-2 लाख रुपए का बाइक ले सकते हो, तो 10-12 हज़ार के लिए कसर मत छोड़ो। राइडिंग पेंट, राइडिंग जैकेट, हेलमेट एंड ग्लव्स, ग्लव्स नहीं होते तो मेरा ये हाथ कल छिल जाने वाला था, ये हाथ छिल जाता, नी पे भी इंजरी होता, बच गया सब। Bye bye. Wow, यार कलर कॉम्बिनेशन तो देखो, ये जो भी ट्रीज है ना मुझे बहुत ही पसंद है। के अनुसार तीसा विलेज क्रॉस करते ही ठंड बढ़ गई है भैया, टेम्परेचर घट गया है, ठंडी बढ़ गई है। ये वाइट पत्ते हैं किस चीज के, डेड
माइट बी ए सच पास। हम लोग अभी बैरागढ़ पहुंचने वाले हैं, यहाँ से बैरागढ़ ऊपर जाएगा, यहाँ से हम लोग आए हैं। दिख रहा है क्या आपको माउंटेन पे स्नो? आगे जो जा रहा है वो बाइक पे, उनका नाम प्रेम शर्मा है। उन्होंने हमको ऑफर किया है कैंपिंग साइट, यहाँ के लोकल है। इसका कैंपिंग साइट का व्यू देखो भाई, पहले व्यू देखो बाद में बात करो आप। स्नो वाले माउंटेन से यहाँ पे क्या भाई गजब। प्रेम शर्मा जी ये यहाँ पे कैंपिंग साइट चलाते हैं, शाम का खाने का वेज नॉन वेज सब वो सेटिंग करके देंगे अभी। एंड यहाँ पे अगर आपको आना है तो इनसे मिलिए, कैंपिंग से रिलेटेड, ट्रैकिंग से रिलेटेड, एडवेंचर से रिलेटेड सब काम हो जाएगा। इनका नंबर मैं अपने वीडियो पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं नियरेस्ट प्लेस इज सच पास If you want to do a trek in जैनी पास है, यहाँ पे लदनी पास है। ये वाला कौन सा है? ये वाला जो सबसे बड़ा हाइट वाला है ये अली पटन इस पास का नाम। इस पास को क्रॉस करने के बाद हम सीधा लाहौल वैली टच करते हैं। लाहौल वैली स्पीति, लाहौल स्पीति में जाते हैं हम, तंदी वैली लग जाता। हाँ तंदी में निकलेंगे। आज तक फोटोज और यूट्यूब पे वीडियो ही देखे गए वैली में कैंपिंग करने का, आज पहली बार कर रहे हैं भाई। और कैंप से गेट से सीधा आप व्यू देखो सिर्फ, तुम यहाँ पे बॉनफायर करेंगे रात को। हम लोग ये रास्ते से हम लोग आए थे अभी। ये जगह थी जहाँ पे मैं आज थोड़ा फ्रेशन अप होने के लिए आया हूँ। बहुत मजा आ रहा है क्योंकि ट्रू वाला एडवेंचर कर रहे हैं हम लोग यार, क्या जन्नत है ना। यहाँ पे अभी मैं फ्रेशन अप होने के लिए जा रहा हूँ, हाथ मुंह धोकर थोड़ा फ्रेश होता हूँ। और प्रेम जी ने ये कुछ बताया था, ये आप खोल के देख लीजिएगा ऐसा बोला था मुझे। क्या है मुझे पता नहीं है, देख लेते हैं क्या है। ये पानी से जलती होगी आई गेस। ऐसे बनाते हैं ये लोग आटा। कपड़े ले लिए हैं, टॉवल एंड ऑल। अभी ये ठंडे ठंडे पानी में नहाने के लिए जा रहा हूँ मैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल नाउ, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप रोलिंग विद पीस ब्रो, पीस। बहुत ठंडा पानी था गाइस, लेकिन मजा आ गया। एकदम फ्रेश फील कर रहा हूँ। वो लोग अभी टेंट पे मेरा इंतजार कर रहे हैं। पूरन और विन डीजल अपना पीछे थे, वो लोग आ गए होंगे। As you can see, स्वेलिंग कम हो गया है, अभी भी पेन हो रहा है तो ड्रेसिंग कर लेता हूँ। मसल्स का प्रॉब्लम है तो 3-4 दिन तो लगेगा भैया। और ऐसे ही हाथ को लेके जाऊँगा मैं कल सच पास, वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस रोड, उस पर मैं जाऊँगा ऐसा हाथ लेके। इट्स गोना बी अच्छा है। अगर 12 बज गया ना तो निकलना मुश्किल हो जाएगा, ये मैं बता दूँगा। क्यों? पहुँच ही नहीं पाएंगे।